तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप आउटलाइन निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत आती है आउटलाइन वो बना नहीं सकते। पिछली वीडियो में हमने ग्रिड मेथड से आप कैसे आउटलाइन निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लूमिस मेथड से आप आउटलाइन कैसे निकाल सकते हो उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस मैंने लिया है, इस रेफरेंस में किस तरह से फेस है, किस तरीके से हमें इसे डिवाइड करना है वो हमें समझना है। कौन सा भी रेफरेंस होगा तो हमें किस तरीके से उसे डिवाइड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल में और एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है जहाँ पर भी ईयर्स है। कौन से भी रेफरेंस में जहाँ पर भी ईयर्स होंगे वहाँ पर हमें और एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद उस सर्कल को, बड़े वाले सर्कल को, फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है। फोर पार्ट में डिवाइड किया, नोज का पोर्शन है जहाँ पर नोज का पार्ट है उसके लेंथ से हमें उसकी नेक निकालनी है और जॉलाइन निकालनी है। और एक बीच में से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। कौन सा भी रेफरेंस होगा हमें यही प्रोसीजर फॉलो करनी है हर एक रेफरेंस के लिए। बस उसके थोड़ा साइज और शेप्स अलग हो सकते हैं पर प्रोसीजर यही रही। हमें समझना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है हर एक रेफरेंस को कि किस प्रकार रेफरेंस है, किस तरीके से वो फोटो है, उसके ईयर की डायरेक्शन किधर है, उसके कान किधर है, उसके हेयर्स किधर है। लूमिस मेथड एक तरह की मेथड है, वो आपको एक प्रोसीजर बताती है कि किस तरीके से आप चेहरा बहुत आसानी से बना सकते हैं। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कौन सा भी चेहरा आसानी से बना सकते हो, उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड ड्राइंग। लूमिस मेथड तो एक जरिया है, एक प्रोसीजर है उस चेहरे को निकालने का, पर ऐसा नहीं कि आप कौन सा भी चेहरा ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन आपको करना है कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो उस रेफरेंस को, आप कैसे देखते हो, उसका साइज कितना है, उसकी जॉलाइन कितनी है, उसका कानों का साइज कितना है, उसके हेयर्स कैसे है, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लूमिस मेथड एक बहुत अच्छी मेथड है आउटलाइन के लिए, उसे भी अच्छी मेथड है ग्रिड मेथड, पर ग्रिड मेथड आप यूज नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी स्केच निकालना है, क्विक स्केच निकालना है, तो आपको लूमिस मेथड का ही यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो अगर आपको ड्राइंग इम्प्रूव करनी है तो मैंने वीडियो के बीच में एक बोनस टिप दी है, तो वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि बोनस टिप आपकी छोड़ जाएगी और वो टिप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको लूमिस मेथड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले आपको सर्कल एंड वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कल एंड वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वो बहुत ज़्यादा यूज होती है ड्राइंग्स में, खासकर तो वर्टिकल लाइन एंड सर्कल, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होती है ड्राइंग में।
आप कहीं भी देखो कि वर्टिकल लाइन और सर्कल होती है, सर्कल और लाइंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सर्कल और वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस जरूर करना। गाइस, मुझे 10 मिनट्स लगे इसे बनाने में, ये क्विक स्केच था। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ड्राइंग्स के बारे में, अगर आपको और भी मेथड चाहिए, तो लेफ्ट साइड में मैंने एक मेथड डाली है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है आउटलाइन के लिए। आप सोच भी नहीं सकते वो इतनी इफेक्टिव है। सो गो एंड चेक इट आउट।